पैरों के खून के दाग के जो उसमें दिखाई दे रहे हैं। आप चाहते हैं, आपको याद है कि सीडी चला के दिखाएं, पेन ड्राइव चलाकर दिखाएं, पेन ड्राइव चलाकर दिखाएं कि आपको कुछ याद है? पैरों में जो खून के निशान थे उसके बारे में जानकारी। एसपी साहब आप बैठिए, आपको खड़े रहने की जरूरत नहीं है, प्लीज सिट डाउन। हाँ सर जानकारी है। एक कुर्सी दे दीजिए उनको, उधर कहीं कोई बैठा दी जाए। हाँ सर जानकारी है। जानकारी है जी। तो ये बहस की गई कि वो कहना यह है कि वो जो बॉडी बांध के जो है जी चादर में जी सर शिफ्ट की गई जी सर, तो वो पांव के दांत खुल गए। घर का जप्ती पंचनामा कहाँ है? हाँ जप्ती पंचनामा का है ना, वेयर इज दैट सीजर मेमो? हाँ लिखिए श्री सिंह आंसर, क्वेश्चन है आंसर। श्री सिंह सबमिट्स दैट There is no Caesar memo of the said bedsheet on record or in his case diary. Caesar तो है उसका, कहाँ है वो Caesar? चादर का Caesar तो चादर, उस चादर का जिसमें की डेड बॉडी को शिफ्ट किया गया था, उस चादर का जिसमें की डेड बॉडी को शिफ्ट किया गया था जिससे कि पांव के खून के निशान पूछ गए। आप अपना भी सीजन मेमो बता दीजिए एट दिस स्टेज। लंडन गवर्नमेंट एडवोकेट श्री ए एन गुप्ता समिट्स दैट, दिखाइए ये सीजन मेमो। कौन सा वाला है? ये वाला नहीं, ये इसी, ये वही चादर है कि ये जो बिस्तर पर से चादर पाई गई थी वो वाली है? ये बिस्तर वाली चादर। लिखिएगा लंडन गवर्नमेंट एडवोकेट समिट्स दैट देयर इज सीजर ऑफ द Said bed sheet. Our learned IO when shown the Caesar memo dated 3/12/2021 from Chennai Garden, room number 105, admits that this Caesar memo, in which at serial number 1 there is mention of a white color bed sheet, is the bed sheet which was seized from the spot and is not the bed sheet in which dead body was removed from the place of incidents to the hospital. वो जो कुर्सी है उसका सीजर मेमो कहाँ है? सफेद कुर्सी सीजर मेमो नहीं है। देखिएगा ठीक है, अभी के लिए इतना पर्याप्त है मेरे ख्याल से। बैठिए आप, और कुछ कहना है तो बता दीजिए एक बार में। और कुछ कहना है आपको, अपनी ओर से कुछ कहना है तो बता दीजिए। कुछ नहीं सर, ये मेडिकल लीगल इंस्टीट्यूट से करवाए थे सर, वहां से लिए थे रिपोर्ट सर। हाँ। और यहाँ से लिए थे तो उन्होंने बताया था, मतलब उसी चेयर से मतलब वो आई है, मेडिकल लीगल इंस्टीट्यूट ने भी बताया था। हाँ। जी सर। और कहाँ है मेडिकल शरीफ सिंह सबमिट्स दैट ही हैड ऑब्टेंड इन ऑब्टेंड अ रिपोर्ट फ्रॉम द मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट भोपाल व्हिच इज साइंड बाय द डायरेक्टर। किस पेज पर है अग्रवाल साहब? अशोक शर्मा डायरेक्टर, साइंड बाय डॉक्टर वन डॉक्टर अशोक शर्मा डायरेक्टर मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट भोपाल एंड अकॉर्डिंग टू द मेडिको लीगल रिपोर्ट and the report of the autopsy doctors, injury to the toe of the disease was caused with the said white chair. White thi na wo chair? Yes, sir. White chair. White plastic chair. Plastic thi na? Plastic chair. Plastic chair. Full stop. Next bearer. आपने ये director medical legal को वो कुर्सी भेजी थी क्या? नहीं। Next question. खुद अपने लिए चीज बढ़ा रहे हैं। कुर्सी पर जो है खून के निशान थे, दिखाइए इनको, वो लगवाइए पेन ड्राइव, लगवाइए साहब को दिखाइए पेन ड्राइव। चेयर तो इन्होंने देखी थी, मतलब पूर्व विवेचक इन्होंने। हाँ तो पूर्व विवेचक को आगे कर दीजिए, उसमें ऐसा थोड़ना है, पूर्व विवेचक साहब को बुलाइए ना। हाँ उसमें कुर्सी पे खून के दाग थे, पूर्व विवेचक साहब आपसे पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे, छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं। ध्यान नहीं सर जी, ध्यान नहीं। कुर्सी जब्त क्यों नहीं की आपने? ध्यान नहीं रहा कि किसी के निर्देश थे आपको? हैं? कुर्सी जब्त क्यों नहीं की? आपको कुछ और कहना है जगन्नाथ साहब? नहीं नहीं कहना, ठीक है। पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है, कुछ आइडिया है? आप दो में से कोई बताएगा? आप आईओ हैं प्रकरण के, आपने सैकड़ों प्रकरणों में विवेचना की होगी। किसका फोन बज रहा है भाई? पालीवाल साहब आप बात कर लीजिए, नहीं हम कोर्ट की प्रोसीडिंग अभी रोक देते हैं। कोई बात नहीं, बैठिए आप। हमें लगा तो आप अच्छी चीज सुनवाएंगे तो इसलिए। ठीक है पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है, कुछ है जानकारी?
डॉक्टर द्वारा की जाती है सर, वो तो हमें भी मालूम है जी सर, थ्योरी में डॉक्टर के द्वारा की जाती है जी, हमने भी देखा है जाकर पोस्टमार्टम लिखते हैं जी, उसके बारे में रिपोर्ट देते हैं। डॉक्टर ने यूट्रस सील किया था क्या मेडिको लीगल ओपिनियन के लिए, यूट्रस सील किया था, सीज किया था, क्या किया था? जितने असुरक्षित आप हैं उतने असुरक्षित वो डॉक्टर भी हैं दोनों। कुछ लिखा उन्होंने, वो जो शब्द लिख के काटा उसका मतलब समझते हैं आप? आयो साहब आपसे पूछ रहा हूँ, जो शब्द लिख के काटा जिसके संबंध में आपने क्वेरी रिपोर्ट भेजी, उस शब्द का अर्थ समझते हैं? डू यू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रेबिट? तो फिर आपने विवेचना, जब आपको शब्द का मतलब ही नहीं मालूम तो विवेचना क्या की आपने? और कुछ कहना है आपको जी? नहीं सर। जगन्नाथ साहब आपको कुछ और कहना है? बैठिए आप दोनों जगह।